पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और इस फायरिंग में कल भारत के 3 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान हरकत से देश गुस्से में है। माछिल में राजस्थान के शहीद प्रभु के शव के साथ बर्बरता की तीखी आलोचना पंजाब में भी हो रही है। कुपवाड़ा के माछिल में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में शहीद हुए जवान के साथ बर्बरता की चौतरफा निंदा हो रही है। पंजाब की सियासत भी इस मुद्दे पर उबलने लगी है। सूबे के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि केंद्र इस पर माकूल फैसला जल्द लेगा। इट इज अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के अगे मोदी साहब ने जड़ा सर्जिकल स्ट्राइक की है वो बड़ा अच्छा काम किया। सारे देश का मान भी वधे है, सत्कार भी वधे है और उहदे नाल देश नू हौसला भी वधे। वहीं विपक्ष भी इस मसले पर संजीदा नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी घटना की कड़ी आलोचना की है। कैप्टन के मुताबिक सेना पाकिस्तान की तरफ से हो रही हर हरकत का करारा जवाब तो दे रही है, लेकिन सरकार को इसका कोई ठोस समाधान निकालना चाहिए। फौजी तो रिटेलिएट करेंगे, इसका तो मुझे 100% भरोसा है कि जो अगर उन्होंने 3 हमारे मारे या 10 उनके मारेंगे, ये इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म हल है तो गवर्नमेंट को ओपन निगोशिएशन ओपन करके इसका हल लॉन्ग टर्म निकालना पड़ेगा। इससे पहले कश्मीर में LOC पर हरियाणा के जवान मनदीप सिंह के शव को भी आतंकवादियों ने शक्ति छद किया था।